यार इस सीन के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हम तीनों की सगाई हो रही है और ये सगाई भी बहुत सिंपल नहीं है, इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है और यहाँ से कुछ अलग स्टार्ट होने वाला है मेरे कैरेक्टर में. मतलब वो थोड़ा चुलबुलापन ख़त्म हो जाएगा. मैं जेलस भी हूँ बिकॉज दोनों कपल्स बहुत अच्छे हैं, एक इसको प्यार करता है दूसरा दूसरे को प्यार करता है, जो मेरे वाला है उसको ध्यान ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. तो इन सब चीज़ों का मुझे बहुत बुरा लग रहा है और सीन बहुत अच्छा है. आप लोग जब देखेंगे टेलीकास्ट होगा तो आप लोगों को बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ अलग दिखेगा जो अभी तक से सबसे हटके होगा हमारी इंगेजमेंट का सीन. और बाकी यार हालत बहुत ख़राब है, पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है क्योंकि सुबह की शिफ्ट होती है और इस धूप में अगर आप भी आते तो फिर आप ये मुझसे सवाल नहीं पूछते कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि इतना काम करने के बाद कुछ दिमाग में नहीं रहता कि मैं क्या बोलूं. इतनी धूप है और ऊपर से आग लग जाती है तो फिर सोने पे सुहागा टाइप आपने सुना ही है तो फिर वो भी रिएक्शन देने पड़ते हैं हम लोगों को. तो लेकिन हमारा हीरो रणवीर बचा लेता है, सब कुछ ठीक कर देता है एंड में. और क्या क्या फ्यूचर ट्रेंड्स देखने मिलने वाले आगे? बहुत कुछ, काफ़ी रिलेशंस में चेंज होने वाला है, कैरेक्टर्स के बिहेवियर में चेंज होने वाला है उनके, मतलब काफ़ी अच्छा. यार मैं पूरा बता नहीं सकती ना आपको अभी. तो ऐसा व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? व्यूअर्स से हाँ मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ देखते रहिए एक वैसा भी 7:30 बजे NTV पे मंडे टू फ्राइडे. प्लीज़ प्लीज़ देखिए एंड प्यार करिए और TRP बढ़ाइए.